तो हजरात, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सैर व सियाहत के एक नए एपिसोड के साथ। मुझे यकीन है कि हमारे इस एपिसोड के ज़रिए आप जिन जगहों की सैर करेंगे वो ज़रूर आपके दिलो दिमाग पर छा जाएंगी, क्योंकि आज हम चल रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे दिलफरेब हिस्से की जानिब, जहाँ नीलांचल पर्वत की खूबसूरत वादियाँ हैं और जहाँ कल कल बहती नदी ब्रह्मपुत्रा है। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको गुवाहाटी और शिलोंग की सैर कराएंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं कामाख्या टेम्पल से। आपने कामाख्या मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, जिसका हिंदू जियारत गाहों में अपना एक अहम मकाम है और जहां मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद पाने दूर दूर से लोग जमा होते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर कायम है। ये देवी दुर्गा के मशहूर 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में एक कुदरती पुरराज अंधेरी गुफा है, जिसमें से पानी अपने आप निकल रहा है। सदियों पुराने इस मंदिर की हालांकि सन 1665 ईस्वी में दोबारा तामीर हुई, लेकिन इसका असल ढांचा उससे कहीं ज्यादा पुराना है। शायद ये खासी जाति के लोगों की बलि चढ़ाने की जगह रही होगी, क्योंकि आज भी यहाँ पर बलि का दिया जाना आम बात है। हर सुबह अकीदतमंदों का तांता यहाँ लगता है, जो देवी शक्ति को बकरे या कबूतर की बलि चढ़ाते हैं। कामाख्या मंदिर में हर साल नवरात्रि की खूब धूम रहती है। इस दौरान दूर दूर से अकीदतमंद यहाँ जियारत करने आते हैं। इसके अलावा अपने आप में एक अनोखा त्योहार भी यहाँ मनाया जाता है, जिसका नाम अमेती है। इस मंदिर में जिस किसी को भी मन्नत मांगनी हो या किसी की भी मन्नत पूरी हुई हो, वो इस मंदिर में आकर घंटियां चढ़ाता है। ये दिल को छूने वाले रिवायत की कशिश आपको यहाँ सुबह से शाम तक घूमते रहने पर मजबूर कर देती है। न जाने किसके दिल में क्या है और न जाने क्या मांगने वो यहाँ इस खुदा के दर पर आया है, ये तो मांगने वाला ही जाने। लेकिन ये सच है कि कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कामाख्या माँ हर किसी का दामन जरूर भर देती है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को नारियल के पानी से रोज सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त नहलाया जाता है। फिर लोग दिए और अगरबत्ती जलाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। ये मंदिर आपसी तफरीक को नहीं मानता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहाँ सभी मजहब के लोग कुछ ना कुछ मांगने जरूर आते हैं। चाहे आप किसी भी मौसम में यहाँ आए, कुछ गर्म कपड़े लाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। गुवाहाटी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मणिकुता पहाड़ी पर कायम मौजूदा हयाग्रीबा माधव मंदिर को बादशाह रघुदेव नारायण ने सन 1583 ईस्वी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर दरअसल 6वीं-7वीं सदी में कभी बना था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये असल में बौद्ध चैत्य था, क्योंकि एक कतार में नक्काशी किए गए हाथियों के जो निशानात अभी भी वहां मौजूद हैं, वो दरअसल बुद्ध आर्किटेक्चर का ही नमूना है। हाथियों की जो बनावट यहां दिखाई देती है वो काफी हद तक एलोरा की गुफाओं से मिलती है।
जिस अंदाज की संगतराशी और नक्श सफाई के साथ अजंता और एलोरा में देखने को मिलते हैं, यहाँ की तमाम नक्काशियों में वही खूबियाँ पाई जाती हैं। इसलिए इस यकीन को ये ताकत मिलती है कि ये बौद्ध मजहब के मानने वालों ने ही बनवाई होगी। माधव मंदिर के चारों तरफ हरियाली कायम रहती है। आप यहां इस बागीचे में भी अपना वक्त गुजार सकते हैं। जब आप मंदिर के जीने से उतर रहे होंगे तो एक खूबसूरत झील आपको चकाचौंध कर देगी। यही तो है इस माधव मंदिर की खासियत, इबादत की इबादत और लुत्फ का लुत्फ। इतनी साफ और पाक झील शायद ही आपने कहीं और देखी होगी। खुदा का शुक्र है कि हमें ये मंजर देखने को मिला। जब आप इस झील के चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो इस झील में लगे हुए इस दिल फरेब फव्वारे का पानी आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि किसी कश्ती में से जोर से पानी निकल रहा हो। पानी की छह जोरदार धाराएं इस फव्वारे को फूल की शक्ल देती हैं। बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी ये नजारा बेहद पसंद आता है। तो दोस्तों, माधव मंदिर के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं हाजो नाम की एक जगह पर, जो कि गुवाहाटी से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के शुमाली किनारे पर बसी है। यहाँ मुस्लिम, बौद्ध और हिंदुओं की मुकद्दस जगहें कायम हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए कि हाजो जाना जाता है वो ये कि यहाँ पोवा मक्का मस्जिद है, जो कि मुस्लिम ज़ियारतगाहों में अपना एक खास मकाम रखती है। गरुड़ाचल पहाड़ी पर कायम पोवा मक्का एक बेहद पाक ज़ियारतगाह के तौर पर तमाम मुसलमानों में मशहूर है। यहाँ तक कि हिंदू मजहब के लोग भी पोवा मक्का जाने का मौका नहीं गंवाते और मस्जिद से अकीदत रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोवा मक्का में सभी की मुरादें पूरी होती हैं। खासकर ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के रोज यहाँ पर सभी लोग आते हैं और इबादत करते हैं। लोगों में ऐसा यकीन किया जाता है कि इस मस्जिद में चार बार इबादत एक हज के बराबर का सवाब हासिल होता है। यहीं पर पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा भी है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद नबी करीम के पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किए। यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है उसे सन 1657 में शुजाउद्दीन मोहम्मद शाह ने बनवाया था, इसलिए ये मस्जिद एक अहम तारीखी मकाम भी रखती है, क्योंकि शुजाउद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में बनी मस्जिद एक शाही मस्जिद का मकाम रखती है। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेटल यानी कि धातु से बनी ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी दिलकशी आपको खरीदारी पर मजबूर कर देगी। यहाँ मदन कामदेव के नाम से एक जगह भी है जो तारीखी चीज़ों के लिए मशहूर है। यहाँ 10वीं और 12वीं सदी की चीज़ें अपनी तारीख दोहराती नजर आएंगी। ये तो हुई दस्तकारी की चीज़ों की बात, लेकिन यहाँ ऐसी यादगारें भी हैं जो वतन परस्त जाबाजों की बहादुरी के किस्से बयान करती है, जैसे कि सरायघाट वॉर मेमोरियल। सरायघाट नाम की जगह पर बना ये वॉर मेमोरियल मुल्क के लिए कुर्बान हुए शहीदों की यादें समेटे हुए है। ब्रह्मपुत्र नदी के शुमाली किनारे पे कायम जगह अजाथुरी पर जाबाज इहोम सेनापति लचित बरफुकन की सेना और मुगलों में सन 1671 में लड़ाई हुई।
उस लड़ाई से जुड़ी तमाम यादगारों के नजरिए से ही ये वॉर मेमोरियल पार्क बनवाया गया है। तकरीबन 48.5 हेक्टेयर में फैले हुए इस पार्क को दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक तरफ बागवानी के साथ बना वॉर मेमोरियल है तो दूसरी तरफ खेलकूद का हिस्सा है। जंग के दौरान हुए शहीदों की याद में बनाए गए खास दरख्त भी यहाँ मौजूद हैं, और हर दरख्त की अपनी एक वाहिद पहचान भी है। इस वॉर मेमोरियल पार्क की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल बेहद दिलकश है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की चुनिंदा नदियों में से एक है। तिब्बत के शुमाल मगरिब से शुरू होने वाली थारलंग झांगबो नदी, जो जनूब तिब्बत से निकलकर हिमालय से होकर अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है, तो वहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और यही जब असम के जनूबी मगरिब किनारों पर बहती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश के जुनूब हिस्से में इसे जमुना कहते हैं और आगे चलकर ये गंगा में समा जाती है। वैसे गौरतलब बात ये भी है कि भारतीय और बांग्लादेशी नदियों के नाम अमूमन जनाना हुआ करते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नाम होने से ये इकलौती नदी है जिसका मर्दाना नाम है। तो भाई, मानना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने नाम और अंदाज दोनों में ही अनोखी है। तकरीबन 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी सिंचाई और यातायात का एक अहम जरिया है। सरायघाट पर बना ये मशहूर ब्रह्मपुत्र पुल काफी मजबूत और आवाम की सहूलियत का एक बड़ा जरिया है। तो देखा आपने, मीलों तक इठलाती, बलखाती, बहती ब्रह्मपुत्र नदी का अपना ही एक अलग अंदाज है। खैर, आप गुवाहाटी पहुंचे हुए हों और शिलोंग ना जाएं, ये एक नामुमकिन सी बात होगी। जनाब, हिंदुस्तान के हिल स्टेशंस में शिलोंग की अहमियत अलग ही है, और ये तारुफ का मोहताज नहीं है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। आप ये भी जानते ही होंगे कि शिलोंग की खूबसूरती अपने आप में दुनिया की वो हर दिलकशी समेटे हुए है जिसकी चाह कोई भी सैलानी रखता होगा। मसलन, यहाँ की हरी भरी वादियाँ, ठंडे झरने, दिलकश नज़ारे, रोमान बरवर माहौल और हर सैलानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आइए चलते हैं शिलोंग की जानिब। शिलोंग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये मेघालय की दारुल सल्तनत है। मेघालय मायने बादलों का घर। सन 1968 तक मेघालय असम का ही एक हिस्सा था, लेकिन हम जरा और पीछे की बात करें तो सन 1765 के आसपास असम के इस हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा था। वक्त गुजरता गया और इस रियासत ने कई उतार चढ़ाव देखे। फिर सन 1954 में यहाँ के बाशिंदों ने इसे एक अलग स्टेट बना देने की मांग उठाई, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन सन 1968 में मेघालय को असम के भीतर ही एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया, जिसे कि बाद में सन 1972 में पूरी तरह से एक अलग रियासत का दर्जा हासिल हुआ।
शिलोंग सिटी से कुछ ही दूरी पर कायम है शिलोंग पीक, जो कि सी लेवल से तकरीबन 1961 मीटर ऊंची है। शिलोंग पीक शहर की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वाके है, जो अमूमन बादलों से घिरी रहती है। इस ऊंची चोटी से तमाम शिलोंग शहर के दिलकश नजारे का लुत्फ लिया जा सकता है। इतनी ऊंचाई से शिलोंग शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पहुंचा हर सैलानी इन दिलकश नजारों को मानो हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। कितने तो अपने कैमरे में भी कुदरत के इस दिलकशी को कैद करके अपने दोस्तों और चाहने वालों के लिए तोहफे के तौर पर ले जाते हैं। यहाँ की शाम हसीन और सुबह रंगीन होती है। शाम के वक्त चलने वाली हल्की हल्की ठंडी हवा सैलानियों को एक खूबसूरत एहसास दिलाती है, जिससे किसी का भी दिल रोमानी हो जाए। और जब सुबह आफ्ताब निकलता है तो उसकी सुनहरी किरणें वहाँ की हरियाली और पहाड़ की चोटी पर ऐसा रंग बिखेरती है जैसे किसी मुसव्विर ने जन्नत के किसी हिस्से का अक्स कैनवस पर बिखेर दिया हो। खूबसूरत पहाड़ियों में घिरे हुए इस दिलकश झरने का नाम है एलिफेंट फॉल्स। बरसात के दिनों में एलिफेंट फॉल्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। आसपास रहने वालों के लिए एलिफेंट फॉल्स पिकनिक मनाने की एक उम्दा जगह के तौर पर मशहूर है। हर उम्र के लोग यहां आना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अगर आप पहली बार एलिफेंट फॉल्स का नजारा करने जा रहे हो तो दिल थाम के जाइएगा, क्योंकि एलिफेंट फॉल्स का दिलनशी नजारा काफी होशरुबा है, जो आपके होश उड़ा सकता है। ये झरना हम इंसानों के लिए कुदरत का एक हसीन तोहफा है। झरने का लगातार बहता हुआ साफ शफाफ पानी इंसानी जिंदगी को मुसलसल आगे बढ़ते रहने की हिदायत करता है, और इसके चारों तरफ फैले खूबसूरत दरख्त इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ का पानी पत्थरों के ऊपर बहता हुआ इतना साफ और सफेद दिखता है कि ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ में दूध बहकर आ रहा हो। यहाँ इस एलिफेंट फॉल के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी ये नज़ारा देखने अक्सर यहाँ आते हैं और यहाँ के ठंडे पानी का लुत्फ उठाते हैं। मसरूफ दुनिया इंसानों को थका देती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं यहाँ की इंसान को तरोताजा बना देती हैं। जी हाँ, ये इतनी हसीन जगह है कि यहाँ आने वाला हर आदमी खुद को तरोताजा महसूस करने लगता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो तो शिलोंग के इस एलिफेंट फॉल्स के दीदार के लिए जरूर आइएगा। वॉर्ड्स लेक को यहाँ के लोग पॉलक्स लेक के नाम से भी जानते हैं। वॉर्ड्स लेक के पीछे जो कहानी है उसके मुताबिक एक खासी कैदी था
जो कि जेल के रूटीन काम करते करते आजिज आ चुका था। उसने इस लेक पर काम करने की मंजूरी मांगी, जो कि उसे मिल गई, और उसका नतीजा वॉर्ड्स लेक का मौजूदा दिलकश मंजर आपके सामने है। घोड़े के पैरों की शक्ल वाली ये बनावटी झील राजभवन के ठीक नीचे कायम है। ये झील बोटिंग और सैर के लिए बेहद मशहूर है। दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते लोग और झील पर तैरती हुई नावों का मंजर इतना दिलकश होता है कि वहां मौजूद हर आदमी का दिल बोटिंग करने को चाह उठता है। यहाँ बोट्स आसानी से दस्तियाब हैं। बोटिंग का शौक रखने वाले आसानी से बोट हासिल करके अपने चाहने वालों के साथ जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस झील में मौजूद मछलियाँ सैलानियों की दिलकशी का एक अहम जरिया हैं। यहाँ आए सैलानी इन मछलियों से दोस्ती करना और उन्हें खाना खिलाना कभी नहीं भूलते। इस झील के चारों तरफ चहलकदमी करने के लिए बना ट्रैक झील के कुदरती मंजर से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक पसंदीदा ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पर लोग वॉकिंग के साथ साथ झील के खुशनुमा मंजर का लुत्फ भी उठाते रहते हैं। इस झील में चारों तरफ फैली हरियाली और खूबसूरत बत्तखें सैलानियों की आमद की एक अहम वजह है। शिलोंग का ये बेहद मशहूर चर्च द कैथेड्रल चर्च ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों के 3 लाख से भी ज्यादा क्रिश्चियंस के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है। ये चर्च तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया और इसे कैथेड्रल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसका नाम जीसस क्राइस्ट की मां मैरी के नाम पर रखा गया। ये चर्च न सिर्फ यहाँ के कैथलिक्स के लिए फख्र की बात है, बल्कि सैलानियों के लिए भी दिलकशी और अहमियत रखता है। सन 1980 में इसे अप्रूव्ड ज़ियारतगाह का दर्जा दे दिया गया और धीरे धीरे ये कैथलिक चर्च एक ऐसी ज़ियारतगाह बन गया जहां हर मजहब के लोग आते हैं और अकीदतमंद लोग रब की रहमत हासिल करते हैं। इस चर्च की जगह और शानदार डिजाइन इतना दिलफरेब है कि आज ये चर्च शिलोंग के लैंडमार्क के तौर पर जाना जाता है। ये मिजो चर्च शिलोंग के बीच इस तरह कायम है जैसे ये चर्च शिलोंग का दिल हो। यहाँ अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहता है। मकामी और गैर मकामी हर तरह और हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं और इस चर्च, इस मिसाली बनावट को देखकर इसके बनाने वाले की तारीफ करते नहीं थकते। ऊपर से देखने पर ये चर्च और भी दिलफरेब दिखाई देता है और हर सैलानी का दिल चर्च में जाने के लिए मचल उठता है।
शिलोंग घूमने के बाद मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि खूबसूरत नज़ारों का ये हसीन सिलसिला मेरे अपने ही मुल्क में है और मैं इनसे आज तक महरूम रही। इतने खूबसूरत सिलसिले को रोकने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, रुखसती का वक्त हो चला है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि सैर व सियाहत का हर एपिसोड अपने में ऐसा ही लाजवाब होगा, ये मेरा वायदा है आपसे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।